दोस्तों आज हम इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट में अलग ही पहचान बना चुके हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट के में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। फिलहाल सचिन तेंदुलकर संन्यास भी ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, संन्यास लेने से पहले सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर काफी लंबा रहा है और इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। टीम इंडिया को और भी कई उपलब्धियों तक पहुंचाने में इनका मुख्य योगदान रहा है, यानी कि इनका योगदान अहम रहा है। सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 463 वनडे मुकाबले खेले हैं, जहां उनके बल्ले से 49 शतक देखने को मिले हैं। अब तक सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। हालांकि जल्द ही विराट कोहली इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। फिलहाल 6 शतक से पीछे हैं विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है, तोड़ के आगे निकल सकता है? यहाँ दोस्तों रोहित शर्मा सच में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? रोहित शर्मा आने वाले समय में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए क्या सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे और नंबर 1 स्थान हासिल कर सकते हैं? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है और आगे निकल सकता है, नंबर 1 पर अपना स्थान बना सकता है? फिलहाल अभी नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शतक 49 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम है। जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी जो है इस शतक को ब्रेक कर सकता है, सचिन तेंदुलकर के शतक को तोड़ सकता है, 49 की जगह 50 बना सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, देना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।